कितने का भैया? Are you mesmerized with me? Because I am. बंदा घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है. के लिए प्रसाद है. का प्रसाद? Yes. जय महाकाल गाइस, कमेंट करो. Happy New Year. Guys, अब देखा मैं सब क्या किया. लोड़ी आने वाली है. चिया की पहली लोड़ी. कुछ के. हाँ, मैंने खाए हुए हैं. गाइस उद्घाटन तो हो गया था. कैसे हुआ उद्घाटन? खुशी का हाथ जाएगा. गुड मॉर्निंग गाइस, नहीं है गुड नाइट है. टाइम बताते हुए भी शर्म आ रही. कितना टाइम हो रहा है? कितना टाइम हो रहा है मैं बताओ? 12 प्रिसाइजली कितने? मैं 5x ज़ूम करूंगी. 12:15 वही घड़ी जो 10 मिनट आगे शायद. 11:40 इस समय हम क्या कर रहे हैं? कॉफी बना रहे हैं. हम क्यों बना रहे हैं हम कॉफी? क्योंकि पापा ने नई मशीन ऑर्डर करी है एस्प्रेसो के लिए, तो हम उद्घाटन कर रहे हैं उसका. ऐसा होता ना यहाँ पे विश्वास. गाइस उद्घाटन तो हो गया था. कैसे हुआ उद्घाटन? मशीन का हाथ चल गया. मामू ने स्टाइल से घुमाया, पता नहीं क्या है कॉफी का, सीधा मेरे हाथ पे लगा. बट ऑल गुड, ऑल गुड. खैर अभी ये अभी बता दो हमें जरा, बरिस्ता हमारा वापस तो आया. क्या है ये, कौन सी मशीन है भाई ये? ये एस्प्रेसो मशीन है. हाँ. तो उसमें फ्रेश कॉफी जाती है. तो हमने लिटरली 2 मिनट बंद होने थे, ब्लूटूथ आया, हमने मंगा ली 2 बैग्स. उनका 11th बर्थडे था, तो उन्होंने हमें फ्री कॉफी भी दे दी. तो हम फ्री वाली पहले पियेंगे भैया. फ्री वाली कॉफी इंडिया में, फ्री वाली कॉफी पहले पियेंगे हम. अभी बनाते हैं एस्प्रेसो. डिमांड इनको कैपुचिनो मिल चुकी है. बंदा खुश है, इतना स्टाइल मार के बैठा है. कैपुचिनो मुझे याद है, इसी सीरीज में मिलता है. ये मानो का अनमैरिड. हां भाई, ये मैंने दिया होगा, क्या पता. तूने फिल्टर तूने फिल्टर मशीन के साथ दिया था यार, मैं बता. अच्छा अच्छा चलो. तो कॉफी की चूल्हे बचपन से ही है भाई. तो करना क्या, कॉफी बना के भी दिखाते हैं. मैं ना भी थोड़ा कट करती हूँ आपको ना, वो एकदम एस्थेटिक वाला ड्रॉप होते कॉफी दिखाती हूँ. गाइज गुड मॉर्निंग. सो नेक्स्ट डे है आज. कल मेरा हाथ जलाने के बाद और ऑसम सी कॉफी पीने के बाद, भाई कॉफी मुझे अच्छी है ना. अच्छी बनी कॉफी. सॉरी मैंने तेरा हाथ जला दिया. लेकिन मैंने कल 2-3 बर्फ लगाई थी, तो मेरे हाथ की हालत कुछ अभी ऐसी है. मेरा ब्लिस्टर सा बन गया है यहाँ पे, तो इतना पेन नहीं कर रहा. रात को बहुत सा वो जल सा रहा था, बट हमने सिर्फ लगा दी थी फिर बर्फ, हमारा हाथ हो गया था ठीक. गाइस चिया देखिए आप, पहले मेरे बाल थे बस का हैंडल, अब नाड़ा है मेरी हुडी का बस का हैंडल. पहले इसको खाई जा रही है ये, अब मुझे ऐसे देखे जा रही है. चिया आर यू इन लव विद मी? बिकॉज आई एम इन लव विद यू. चिया नो बोल दे. आर यू मेस्मराइज्ड विद मी? बिकॉज आई एम. बंदा घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है. जाऊँ मैं काम पे? जाऊँ काम पे. तो चिया को आज भी हम रख रहे हैं घर पे. चिया की तबीयत ठीक है, या वो होता ना हम लोग भी समझ रहे थे इसकी तबीयत खराब हुई, तो हफ्ता लग गया. बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ. इनफैक्ट होता ना एक शुरू हुई से कोल्ड, वो पीक पे गया, हल्का सा फीवर भी हुआ बीच में, फिर वो जाते जाते अभी भी मतलब है ना चला गया 95% चला गया, 5% चला गया. इसने अभी हम इसको इतना बाहर नहीं निकाल रहे हैं ना, अभी 1-2 दिन में निकालेंगे धीरे धीरे से. क्योंकि रूम में रह गया ये भी थोड़ा सा होता ना, बंदा भी तो हमारा थोड़ा सा पक गया होगा भाई. देखे जा रही, देखे जा रही. तो हम जा रहे हैं काम पे चिया. ओके मम्मा मिलेगी आपसे शाम को, देख तो ले नजर भर के सबको. हाँ वही अपने बंदे हैं यूट्यूब वाले, हफ्ते से व्लॉग नहीं बना, भूल मत जाना इनको. हाँ गुड मॉर्निंग, कैसे चल रहा है? आज तो बड़ी जल्दी खोल दिया सलून. कितने बजे और कितने फेशियल हो गए हैं? 3 हो चुके हैं ना अभी. आई थिंक हाइड्रा वो चल रहा है, स्पा चल रहा है ना. नहीं तो तुम बड़े फ्री घूम रहे हो. तुम्हारा अभी फेशियल कर रहे हो अभी तो? अच्छा फ्री हो, मजाक कर मजाक कर. ऑल गुड राइट? चलो बड़ी व्लॉग में व्लॉग फराग व्लॉग हैप्पी न्यू ईयर दोस्त. अच्छा पहली बार मिल रहे हम. गाइस हम देखा मैं सब क्या किया गए, मैं प्रसाद पे मारा गए. अच्छा बाय द वे हमारी साक्षी गई थी उज्जैन महाकाल के मंदिर के दर्शन करके आई हैं. हमारे लिए प्रसाद का मेरे प्रसाद चढ़ाया साक्षी ने, है ना दोस्त? तो हमें दे दो. भीड़ थी ना वहाँ पे, बड़ा सही लग रहा था, बड़ा सही लग रहा था.
उज्जैन का प्रसाद आ चुका है दोस्तों। कुछ नहीं, वो सारी बैच की डेट आराम से चिया बीमार भी होगी, आराम से साक्षी को आ दो। अच्छा पार्टी आप लोगों के लिए भी, सबके लिए प्रसाद है का प्रसाद। यस, जय महाकाल गाइस, कमेंट करो। बेसन कह रहा हूँ, पेड़ है। ओके गाइस, तो साक्षी ने हमें दिया अच्छा अच्छा प्रसाद, उसके बारे में करी बहुत सारी डिस्कशन, नेक्स्ट बैच की डिटेल्स, हाइड्रा फेशियल्स, तो मतलब ऐसे पे हमारे छाए हुए। नहीं मतलब सच में मतलब ऐसी फीलिंग आज तक कभी नहीं आई, मतलब इतना अच्छा है कि आप लोग आ रहे हो, हाइड्रा फेशियल्स करवा रहे हो बैक टू बैक, सबको अच्छे लग रहे हैं। मेन है कि क्लाइंट्स खुश होके जा रहे हैं, हमारा मेन मोटिव होता है कि यार जो आ रहे हैं यहाँ पे ना वो ऐसे खुश होकर आके जाए। एग्जैक्टली, अभी आई थिंक दो अपॉइंटमेंट्स के भी नेक्स्ट आ चुके हैं, स्कूलिंग वाली जो है उनको। अच्छा ठीक है, तो अभी हम करते हैं क्लाइंट से बातें, मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। क्या करना है इनके बारे में, स्मूथनिंग के लिए ना क्योंकि आपका फेशियल्स आंटी कभी क्लीनिंग करा के ना प्रॉपर मशीन को क्लेंस करके। तो बहुत ही प्यारा मम एंड डॉटर का डुओ शालू एंड अलका जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हाइड्रा फेशियल का? बहुत अच्छा रहा, चमक रहे हो आप दोनों। अच्छा रिलैक्सिंग था, यू एंजॉय इट? चलो आंटी आपको कैसा लगा? बहुत ही प्यारा प्यारा सा ग्रुप आया हुआ है, सिस्टर इन लॉज हो ना और सिस्टर हो एंड सब ने हाइड्रा फेशियल कराया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एंजॉय किया एंड सब एकदम बहुत ही प्यारी प्यारे ग्लो मार रहे हो गाइस। तो भाई आज का दिन तो कुछ ऐसे ही जा रहा है, हम लोग लगे पड़े हैं सुबह से, कुछ ना कुछ चल रहा है। एक्चुअली कल आज और कल हम लोग फुली पैक्ड है हाइड्रा फेशियल को लेके, हम आर टीम हैज वर्क ट्रिमेंडसली वेल है ना, and it's been a great pleasure to serve so many clients. I think काफी subscribers भी मिलने आए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, गुड़गांव से आके कहाँ कहाँ से आ रहे थे। एंड तो गाइज ये लोग गए थे उज्जैन एंड वहाँ पे महाकाल के दर्शन करके इन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे व्लॉग्स भी डाले, बट एक्सपीरियंस कैसा था प्लीज मेरे सब्सक्राइबर्स को भी बताएं। Yes, so guys, बहुत ही ऐसे memorable वाला experience होता है, जो भी एक ना एक बार लाइफ में हर किसी को महाकाल के दर्शन जरूर करने चाहिए। I think साक्षी मुझे भी बता रही थी, उनके कुछ 12 होते हैं ना, 12 ज्योतिर्लिंग है। हाँ, तो उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है महाकाल का जहाँ पर हम गए थे, एंड हम ओमकारेश्वर भी गए, हमने ब्लॉग्स डाले हैं प्रॉपर। तो गाइज आप जाके प्लीज इनके व्लॉग्स देखना, वैसे भी अब हम लोग साथ में रहते हैं तो काफी सारी चीजें ऐसी होती है कि हम ट्राई करते हैं हम सेम कंटेंट रिकॉर्ड ना करें, जस्ट की ताकि काफी व्यूअर्स साक्षी के जाके भी व्लॉग्स देखते हैं, काफी मेरे देखते हैं, तो आपको दोनों तरफ का मसाला अगर देखना है तो आप प्लीज जाके अंशुमन साक्षी की व्लॉग्स को सब्सक्राइब करो। मैं यहाँ पे लिंक भी छोड़ दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी और टाइटल में भी लिखा होगा, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करो। और जिन जिन ने सब्सक्राइब करा प्लीज नीचे जाके लिखो सब्सक्राइब, ठीक है? यस, सब्सक्राइब करो गाइस। तो सलोन सीधा हम लोग आ गए हैं रजौरी गार्डन की मार्केट। तो एक्चुअली हम क्यों आए हैं, लोहड़ी आने वाली है और चिया की पहली लोहड़ी है, तो हमने एक छोटी सी गेट टुगेदर करें लाइक फैमिली वेरी क्लोज फ्रेंड्स के साथ। तो जनरली हम आउटफिट्स ऐसे सोर्स कर लेते हैं, कोलैब्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। भाई हमें ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हमें ना बहुत सारी वीडियोज़ और पिक्चर्स आई, तो हमने कहा हम खुद ही जाके देख लेते हैं। तुम कहाँ जा रहे हैं? शबद, राइट? शबद जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे आउटफिट है। हाँ, और भी एक दो इवेंट्स भी आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वहाँ से वैसे उठा लेंगे एंड और बाकी इवेंट्स के लिए भी। बहुत टाइम बाद मैं रजौरी गार्डन की मार्केट आ रही हूँ, अपना ना कैमरामैन स्टाइल से ब्लॉगिंग के निकाला बंद करती हूँ। दोस्तों रजौरी गार्डन की मार्केट जो लोग मिस कर रहे हैं, जो लोग जानते हैं वो इस मार्केट की फील को समझेंगे, राइट? और ऐसा लग रहा है मतलब जो बेस्ट मार्केट है, बेस्ट है यार, बेस्ट है, जितना मर्जी तुम जाओ। वैसे बस साक्षी मैं आज तक सरोजनी नगर नहीं गई हूँ, मैं तो हर साल बोलती जब भी आती हूँ मुझे प्लीज लेके चल, प्लीज लेके चल, मैंने इतने व्लॉग्स में बस गई थी छाट लिया सरोजनी गाइस, चप्पा चप्पा वहाँ पे बंदे जानते हैं मुझे गाइस। साक्षी ना बस गई थी एक टाइम, ऐसे साक्षी ऐसे थोड़े भर के क्या दे रहे हो, मैं ऑफर निकाल लीजिए चाहिए
सुंदर हमारे पास आए पैम्पलेट से लेके, हमने कहा भाई ये वाला ऑफर तो अपने सलून में निकालते हैं, मस्त सब कुछ बता रहे थे। यही तो मैं फ्री दे रहा था मैं लास्ट से, मुझे पता एक बार मैं आई थी, मैंने वो ना जोकर से बने होते हैं वहाँ पे ना, ऐसे वो क्या बोलते हैं उनको आउटफिट्स पहन लेते हैं। तुम क्या, अच्छा वो आइडिया हुआ था यही से आया था, अच्छा मटेरियलाइज हुआ था, क्योंकि मैं वो देखे गई थी, नंबर नंबर लिया था ना, रखेंगे अपने सलून के बाद। समथिंग न्यू टू ट्राई एनी वे यार, बहुत से यहाँ पे केला, इसे केला और इसे क्लोव, आई डोंट नो, तरसते रहते, इतने प्यारे प्यारे इयररिंग्स हैं। पहले मैं आउटफिट लेती हूँ, मैं देखती हूँ अभी, आप आते हैं आपके पास, ठीक है? बहुत अच्छी कलेक्शन आपको देखते हैं, इट्स वेरी नाइस। पता लगा है, एनीवे गेट शो में दिखाएंगे और आउटफिट्स। हाँ मुझे डाउट था कि दूसरा वाला चल रहा है, यहीं पे यहीं पे दूर से। हाँ गितेश तो फेमस है इंस्टाग्राम। अच्छा तो अभी हमने कुछ आउटफिट्स करे हैं शॉर्ट लिस्ट, पर ये वाले हैं सारे हम जो शूट्स के लिए हमें करने हैं, साक्षी शूट के लिए देख लें। हाँ मुझे भी बताया गितेश, एक नीचे गोल्डन बहुत प्यारा था, वो तो क्या मल्टीपल करनी है अभी तो लुक्स, तो ये भी प्यारा देख ले गोल्डन की, और एक वो प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी भी था, है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट कलेक्शन दे है, लाइक गाउन्स एंड एवरीथिंग, व्हाटएवर यू लाइक वांट, जो आप सोचोगे नहीं वो यहाँ पे होगा, वेरी वेरी प्रिटी। प्राइस कर लिया हमने, सूट्स तो फाइनल कर लिए, साक्षी ने बहुत ही प्यारा वेलवेट का करा कश्मीरी, वो आप देखोगे फंक्शनल दिन, मैंने दो करे हैं, एक तो इसका भी बहुत सुंदर है भाई, मतलब उसे गोटा पत्ती टाइप्स है बट सेफ फ्लेवर, खूबसूरत। एंड हम लोग सोच रहे कि हम सब ना वो करेंगे परांदियाँ, ऐसे मेरे दिमाग में था कि सब परांदी बांध, मैं सबको बोल देंगे जो जो परांदियाँ बांध के आ सकते हैं ना, लोड़ी वाली गोलगप्पे नहीं है, छोले होते हैं, ठीक है यार खाए थे हम फ्लाइट में, हम जाते थे ले हुए इस पर, पानी आ रहा है तो बंदा गोलगप्पे खा रहा है, कोलकाता से कोई है तो प्लीज कमेंट कर दो, एक सेकंड वो गाड़ी में लहंगा लिखवाना है शूट का, वो बुला रहे हैं हमें, आई डोंट नो ही माइट बी लुकिंग, हम अपनी ब्लॉगिंग में बिजी है, नहीं 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 वो बुला ले पागल, डिस्टर्ब नहीं करेगा, ओ भाई मेरे मुंह में पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, अरे लोगों के मुंह में आ रहा होगा। गाइज जब रजौरिया आया तो भाई यहाँ के स्पेशल मुझे बहुत पसंद आ रहा है, कितने का भैया 350 का सही है, पहन के साक्षी पहन के दिखाइए आपको, ओके गाइज पता मुझे ऐसा लग रहा है मैं जन्नत में, बस टाइम नहीं 9 बज गए पूरी मार्केट बदल, मुझे सब मुझे जूते भी लेने हैं, मुझे सब कुछ लेना है, साक्षी वेरी नाइस भैया, मुझे दोबारा आएंगे प्लीज, दोबारा आएंगे सब कुछ बंद हो गया, बढ़िया बढ़िया।